आज हम पांच ऐसे स्टॉक्स की बात करने वाले हैं जो पिछले एक साल में 80% से ज्यादा और कुछ तो इवन 95% से ज्यादा तक करेक्ट हुए। पांचों में एक चीज कॉमन थी और इसी के जैसे और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो करेक्ट हुए, एक चीज कॉमन है। आज इस वीडियो में पहले हम वो चीज समझेंगे, क्यों करेक्ट हुए समझेंगे, और साथ साथ एंड में आपको तीन प्रिंसिपल देंगे जो आपको हमेशा ध्यान रखना है और मेक श्योर करना है जब भी आप स्टॉक सिलेक्शन करें एटलीस्ट ये गलती ना करें जो इन सभी स्टॉक्स के साथ हुई थी। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB, और चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन क्लिक अभी ही कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बहुत ही जल्दी हम 1,00,000 सब्सक्राइबर्स की जर्नी पूरा करने वाले हैं, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जल्दी से हमारी फैमिली 1,00,000 की हो सके। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। जब भी मैंने आपको एक स्टॉक एनालिसिस दिया है, काफी स्टॉक एनालिसिस डिटेल में बना के दिए, हर स्टॉक एनालिसिस में जो सबसे पहला पॉइंट था वो ये था कि शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या उसका स्टेबल है, क्या प्रमोटर्स की, FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की या फिर DIIs, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस में क्या कोई मेजर सेलिंग हुई है। अगर कोई मेजर सेलिंग हुई थी तो वो हमारी दिमाग की बत्ती चलाने के लिए जरूरी था और एक नेगेटिव पॉइंट के जैसे हमने कंसिडर किया था। आज हम ऐसे ही कुछ स्टॉक्स की बात करने वाले हैं जिसमें मेजर FIIs की सेलिंग हुई है और वो स्टॉक 80% से ज्यादा करेक्ट हुए। आपको और हमें समझना पड़ेगा। इस वीडियो के एंड में ना मैं आपको तीन प्रिंसिपल्स भी रेडी टू यूज बना के दूंगा जो आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। उससे पहले हमें समझना पड़ेगा इंस्टीट्यूशंस एक स्मार्ट इन्वेस्टर है। अगर स्मार्ट इन्वेस्टर निकल रहा है आपके लिए और हमारे लिए एक वार्निंग साइन है, और हमें फिर उस स्टॉक को लेके एक थोड़े से दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए और हमारे एक कॉशन एटलीस्ट प्रिपेयर करना स्टार्ट हो जाना चाहिए। हमें थोड़ा संभल के उस स्टॉक में बने रहना चाहिए। एक चीज समझनी पड़ेगी, पिछले एक साल में से 8 महीनों में, मतलब लास्ट 12 मंथ्स में से 8 मंथ्स में FIIs ने नेट सेल किया है। ओवरऑल पिछले एक साल की बात करें तो 5000 करोड़ की नेट परचेज है, बट मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बात करें तो 8 मंथ्स आउट ऑफ 12 मंथ्स उन्होंने सेल किया है। 254 ऐसे स्टॉक्स है जिसमें FIIs ने सेलिंग हुई है, 254 में से 93 स्टॉक्स तो 50% से ज्यादा करेक्ट हुए। आज हम उन्हीं में से पांच ऐसे स्टॉक की बात करने वाले हैं जो बहुत ही ज्यादा मेजर करेक्ट हुए और FIIs ने उसमें मेजर माल बेचा है। हम जो कंपेयर करने वाले हैं वो जून 19 वर्सेस मार्च 2020 में क्या था FIIs की होल्डिंग कंपेयर करेंगे और पिछले एक साल में स्टॉक कितना गिरा है वो कंपेयर करेंगे। सबसे पहला स्टॉक है उसका नाम है कॉक्स एंड किंग्स। ये पांचों के पांचों शेयर्स ऐसे होने वाले हैं जिससे आप में से काफी लोग रिटेल इन्वेस्टर्स कई बार इमोशनली अटैच थे। पहला स्टॉक है कॉक्स एंड किंग्स। इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 39.37% हुआ करती थी जो गिर के 4.92% रह गई है। स्टॉक 98.97% पिछले एक साल में गिरा है, समझने की बारी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टॉक है रिलायंस कैपिटल। FIIs की होल्डिंग 22.77 थी जून 19 में, गिर के हो गई है 0.24, मतलब ऑलमोस्ट सारा का सारा माल FIIs बेच दिया। स्टॉक 92.98% गिरा है। थर्ड स्टॉक मनपसंद बेवरेजेस, एक ऐसा स्टॉक मनपसंद बेवरेजेस आपको भी पता है काफी लोगों की हिटलिस्ट में हुआ करता था कि यार ये स्टॉक में तो हम सट्टा खेल जाएंगे, सट्टे वाले स्टॉक्स आपको काफी दिखेंगे। थर्ड है मनपसंद बेवरेजेस, 10% इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग हुआ करती थी जो गिर के 2.45% रह गई। स्टॉक 88.85% करेक्ट। फोर्थ स्टॉक जैन इरिगेशन। जैन इरिगेशन में तो आप में से काफी लोगों का होल्डिंग होने के चांसेस भी है। स्टॉक में जो FIIs की होल्डिंग थी 32% से गिर के 10% के आसपास जा चुकी है और स्टॉक गिरा है 81.57%। और फिफ्थ स्टॉक तो ऐसा है जिससे रिलेटेड मैंने आपको टाइम एंड अगेन वार्निंग दी है। एक चीज समझेगा, जब हम वार्निंग देते ना, आई ऑलवेज बिलीव वन थिंग, व्हेनेवर इन डाउट स्टे आउट। फिफ्थ स्टॉक है येस बैंक। FIIs की होल्डिंग 33.69% हुआ करती थी जो गिर के 1.86% से भी कम रह गई है और स्टॉक 81.85% के आसपास करेक्ट हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स इससे पहले कि हम कंक्लूड करें और सीखें, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन क्लिक नहीं किया है कर सकते हैं। हमारी कोई भी हेल्प चाहते हैं, चाहे म्यूचुअल फंड हो, फाइनेंशियल प्लानिंग हो या इंश्योरेंस हो, हर नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप हेल्पलाइन नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं। अगर अभी तक डीमैट नहीं खुला है, जीरोधा, अलाइस और एंजल तीनों के ही लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जीरोधा अच्छा ब्रोकर है, अलाइस में आपको मार्जिन्स बहुत सारे मिलते हैं, सो जिसके साथ आप कंफर्टेबल अपना डीमैट खुला सकते हैं। और साथ ही जैसे ही आप हमारे लिंक के थ्रू डीमैट खुलाए ना, अपना नाम, नंबर, मोबाइल और साथ ही साथ कौन सी क्लाइंट आईडी है आपकी और कौन सा ब्रोकर यूज किया, डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल आईडी पे मेल कर दीजिएगा। विद इन 10 डेज मेरी टीम आपको एक प्राइवेट चैनल पे, पर्सनल चैनल पे ज्वाइन कर लेगी जिसपे मेरी पर्सनल कॉल सेट एटलीस्ट देता हूं। अब आज जो हमने देखा और जो हम रेगुलर स्टॉक एनालिसिस करते आते हैं उससे तीन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। सबसे पहले, इंस्टीट्यूशन एक स्मार्ट इन्वेस्टर है। अगर स्मार्ट इन्वेस्टर किसी भी स्टॉक से निकल रहा है
आपको और हमें एक वार्निंग साइन जैसा हो जाता है और हमें उसमें सावधानी बरतने की जरूरत है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी हम लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बाय करते हैं, देखिए जब हम म्यूचुअल फंड बाय करते हैं ना, हमारे पास एक म्यूचुअल फंड मैनेजर है जो आपके लिए डे टू डे बेसिस पे फंड्स का सिलेक्शन कर रहा है और वो भी स्टॉक्स चेंज करते हैं। आपको और हमें जब हम लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बना रहे हैं स्टॉक्स का, एटलीस्ट 3 months to 6 months एक बार रिव्यू करना जरूरी है। अगर कोई मेजर चेंज हुआ है, अगर कोई मेजर क्राइटेरिया चेंज हुआ है, जब भी हम स्टॉक एनालिसिस मैंने आपको चैनल पे लाके दिया है उसमें बहुत सिंपल क्राइटेरियाज आपको बताया जो डिटेल इन्वेस्टर्स घर बैठे भी, आपको फाइनेंशियल लिटरेसी देना हमारा पर्पस है, आप घर बैठे भी उन स्टॉक एनालिसिस के बेसिस पे पॉइंट बना के अपने किसी भी स्टॉक पे अप्लाई करके अपना एनालिसिस कर सकते हैं। स्टॉक एनालिसिस हमें पर 3 months to 6 months करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा अगर कोई मेजर चेंज हुआ है सो हमें भी शायद एग्जिट लेने की जरूरत पड़े, ये चीज ध्यान रखनी होगी। और थर्ड, कभी भी किसी भी स्टॉक से इमोशनली अटैच मत हो जाइए। जैसे हमने कुछ स्टॉक्स की बात करी, जैसे जेन इरिगेशन हो गया, येस बैंक हो गया, ये सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिससे काफी रिटेल इन्वेस्टर्स इमोशनली अटैच हो गए थे। हमें किसी भी स्टॉक से इमोशनली अटैच नहीं होना है, हमें देखना है अगर कोई स्टॉक है जिसमें इंस्टीट्यूशन सेल कर रहा है या जिसके फंडामेंटल्स पुअर है, या जैसे आप हमारे पुराने किसी भी स्टॉक एनालिसिस में जाके देख सकते हो, हम ऑलमोस्ट 4 to 5 पैरामीटर्स जो बेसिक होते हैं बिल्कुल बेसिक रखा है, हमने डिटेल की बात ही नहीं करी है, बहुत डिटेल एनालिसिस की बात नहीं करी है, ऐसा एनालिसिस हमने सिखाने की कोशिश करी है जो रिटेल इन्वेस्टर्स भी कर सकते हैं। उन चीजों को ध्यान रखिए और मेक श्योर कीजिए व्हेनेवर इन डाउट स्टे आउट, ये प्रिंसिपल हमेशा फॉलो कीजिएगा और कभी भी आप चिट्टर बिटर स्टॉक्स में नहीं फंसेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग और इस वीडियो को लाइक प्लीज कर दीजिएगा, बड़ा ही अच्छा वीडियो है, और शेयर करना मत भूलिएगा, हम बहुत ही जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने वाले हैं। पक्का इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और लोगों को मोटिवेट कीजिएगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े ना, कई बार मुझे इमीडिएट अपडेट देनी होती है, एक टेलीग्राम का ओपन फॉर ऑल ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम और ट्विटर इंस्टाग्राम 3 जगह पक्का जुड़ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती है, इंफॉर्मेशन आती है। अगर किसी भी रिलेटेड सर्विसेज हमारे रिलेटेड चाहिए या हेल्पलाइन नंबर पर आप कनेक्ट करना चाहते हैं, सारे के सारे हेल्पलाइन नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।